तो मैं जा रहा हूँ अभी देवकुंड वाटरफॉल पे। वैसे तो मैं टूर में जा रहा हूँ, बहुत से रैंडम लोग रहेंगे मेरे साथ में। अभी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, क्या कॉस्ट है, क्या क्या पैकेज में इंक्लूड है। तो अभी मेरे साथ तो धीरज है, अभी करते हैं पूरी टूर। और अभी टाइमिंग तो हमें 11:30 बजे का दिया था रात का, लेकिन अभी 1 बजने को आए, लेकिन अभी तक हमारी बस नहीं आई है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, इसलिए हम बिना वजह ये मॉल घूम रहे हैं। यहाँ पे लोकेशन हमें तो ठाणे का दिया था, विवाना मॉल का। तो अभी हम घूम रहे हैं ऐसे मॉल में। तो चलो फिर अभी करते हैं बस का वेट और निकलते हैं फिर टूर के लिए। वहाँ हमारी वैसे तो ट्रैकिंग कल मॉर्निंग में 11:30 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो चलो फिर मिलते हैं अभी देवकुंड वाटरफॉल पर। बाय। तो बहुत टाइम बाद बस आ गई फाइनली 1 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम वैसे तो मॉर्निंग में 5 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे, लेकिन अभी देख सकते हो 6:30 हुआ है। और ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है। और यहाँ का सीन देखो आप पूरा। फुल रश है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए। तो चलो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं ट्रैकिंग के लिए। हम एक 45-50 जन का ग्रुप है और पूरा ट्रैक हम ग्रुप के साथ ही करेंगे, ठीक है। कोई भी आवाज ग्रुप छोड़ के जाना नहीं है, परमिशन ही नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि आप ग्रुप के साथ आए हो, हमारे साथ आए हो, पर्सनल आप नहीं आए, ठीक है। तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पूरा ट्रैक अच्छे से आपका पूरा सेफ्टी के साथ आपका ट्रैक कम्प्लीट करना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं है, मतलब आपको एंजॉय करना है ट्रैक, हम एंजॉय करने आए, आपको ट्रैक एंजॉय ही करना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वैसे तो हम 5 बजे यहाँ पे आए, लेकिन ट्रैकिंग हमारी 7 बजे स्टार्ट हुई है। तो ये देखो फुल पब्लिक, जेवढे गेले नाही तेवढ्याचे नाव कट करण्यात आलेले आहेत, ज्यांचे कोणता नाव होते ने ब्रिजवर होती त्यांचे नाव कट केले आहेत। तो चलो फिर अभी करते ट्रैकिंग स्टार्ट और देखते कैसा है एक्सपीरियंस। और वैसे तो मैं ये विद्या ट्रैवल्स में आया हूँ, इसका भी एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसे ट्रैवल्स, क्या मैनेजमेंट है इनका। तो चलो फिर, और थोड़ी देर में क्या हमें कितने में पैकेज मिला है वो भी बताऊँगा। तो चलो फिर मिलते हैं ट्रैकिंग पे। बाय बाय। देखो नदी आ गई है, एक
ये थी हमारी फर्स्ट नदी, अभी जस्ट क्रॉस किया हमने। ट्रैकिंग स्टार्ट हो गए, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और अभी तो बहुत सफ़र करना है हमें, मैक्सिमम 2 आवर की रनिंग है। तो चलो फिर अभी करते ट्रैकिंग पूरी। ये हमारी पुरानी यादें, बस ऐसे ही घर थे हमारे, अब भी बंगलोज हुए। ये बगीचा बसाला प्लेस जो देखो, यहाँ पे एक बैठने के लिए अच्छी जगह है ये, और फोटो अच्छे क्लिक करने के लिए, लेकिन हमें रुकने की परमिशन नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे बैक साइड में फ़ोटो क्लिक करने के लिए अच्छी जगह है, बट हमें रुकने की परमिशन नहीं है। तो चलो चलते रहो। बैक साइड में देख सकते हो एकदम परफेक्ट सीन है यहाँ पे। तो चलो अभी सब यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए रुके हैं। देखो पब्लिक कितनी है, कम से कम 5-6 हज़ार पब्लिक आई है यहाँ पे आज। वैसे भी फ्रेंडशिप डे है तो बहुत पब्लिक आई है यहाँ पे। अभी सिर्फ कमी है वो बारिश की। तो देख सकते हो जगह जगह पे यहाँ पे ब्रिज टाइप बनाए हैं, मतलब रोड क्रॉसिंग करने के लिए, नदी क्रॉसिंग करने के लिए। ये अच्छी बात है यहाँ पे एक। तो चलो अभी आपके लैंग्वेज में दबदबा। ये देखो ब्रिज भाई, आप इस ब्रिज पे पहुंच गए, मतलब आपने 1.5 घंटे की रनिंग क्रॉस कर चुके हैं। अरे भाई 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 भाई, भाई ब्रिज देखो ये कैसा है। बाकी के लोगों को दिखा दो अभी मैं आपको। देख सकते हो ये ब्रिज, इस ब्रिज तक आने का हमको 1.5 घंटा लग गया पूरा, बहुत ज़्यादा रनिंग है। तो देख सकते हो एक वाटरफॉल, और बारिश स्टार्ट हो रही है अभी। फाइनली अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, कब से बहुत धूप निकली थी तब का मूड ऑफ हुआ था, तो अभी फाइनली बारिश स्टार्ट हो गई है। और यहाँ का कुछ सीन दिखाता हूँ मैं आपको। ओ भाई साहब, ये देख सकते हो अभी पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया हमने, 1.5 घंटे रनिंग करने के बाद पहाड़ लगे हुए हमने।
देख सकते हो कितने ऊंचाई पे जा रहे लोग। वो देख सकते हो वहाँ से हम आए, उससे पहले से आया हम यहाँ पे। अभी जस्ट पार स्टार्ट हो गया चढ़ना, अभी कम से कम हमें 2 आवर्स हो गए हैं चलते चलते, लेकिन अभी तक लोकेशन हमारा आया नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा अभी 15 से 20 मिनट पे है, तो चलो फिर करते हैं ट्रैकिंग। ये देखो बहुत से लोग अभी रिटर्न भी आ रहे हैं। ये देखो कैसा सीन है, पूरा अंधेरा। बाल साहब बस 5 मिनट और फिर हम फाइनली हमारे लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो चलो अभी फाइनली हम पहुंच गए हम छोटे वाटरफॉल पे, देख सकते हो ये ओ भाई जन्नत। वो मेन वाटरफॉल है। फाइनली हम पहुंच गए वाटरफॉल पे, ये देखो देखो भाई रे
ये मेन वाटरफॉल देवकुल वाटरफॉल और पब्लिक देखो वू। हेलो गाइस, तो अभी हमारी ट्रिप ट्रैकिंग ख़त्म हो चुकी है वैसे भी, तो अभी हम जा रहे हैं होटल पे। हमारे ट्रैकिंग तो बहुत अच्छी थी और वाटरफॉल भी बहुत अच्छा था, आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। बस ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 5 घंटे लगते हैं आने जाने में। और मैं विद्या टूर एंड विद्या ट्रैवल्स में आया था, इंस्टाग्राम पे उनकी प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हो। पैकेज हमको मिला था 1300 रुपये का, उसमें लंच और ये था ब्रेकफास्ट था। तो बस ये था आज का व्लॉग। अभी हम थोड़े दिन में वापस, हमारे यहाँ पे एक लोकल वाटरफॉल है सीक्रेट वाटरफॉल, वहाँ पे जाने वाले। तो चलो फिर करते ख़त्म ये व्लॉग, अभी जाते डायरेक्ट लंच करते फिर घर। चलो बाय। पब्लिक देखो कैसे पागल हो गई है यहाँ पे।